उधर झारखंड में आज विपक्षी पार्टियों ने जमीन अधिग्रहण बिल के विरोध में बंद बुलाया है। बंद का सबसे ज्यादा असर चुरचू, चरही और कोयलांचल में देखने को मिल रहा है। जेएमएम, कांग्रेस, जेबीएम और दूसरी विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतरे, सड़क पर आवागमन बाधित कर दिया। सीसीएल, हजारीबाग, कोयलांचल क्षेत्र, चरही के तपिन साउथ, तपिन नॉर्थ, केदला परियोजना में खदान में आउटसोर्सिंग और ट्रांसपोर्टिंग पूर्ण रूप से ठप नजर आए। विपक्षी दलों ने आहूत बंदी का हजारीबाग में व्यापक असर भी देखने को मिला। इधर पुलिस के जवान सभी मार्गों में तैनात हैं, पेट्रोल पंप बंद है, बस स्टैंड से बसों का परिचालन बंद है, यात्री बस के साथ मालवाहक वाहन का परिचालन भी बंद सा ही नजर आया। बस स्टैंड पर यात्री बेहद परेशान दिखाई दिए, जबकि खूंटी में भी बंद पूर्ण रूप से सफल नजर आ रहा है। यहाँ पर 28 बंद समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया। कोडरमा के जिला मुख्यालय में बंद असरदार नजर आया। जगह जगह पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया। कांग्रेस, आरजेडी, जेबीएम, जेएमएम और माकपा समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं।